सभी को लगता है कि कराची की बिरयानी या फिर हम जब बिरयानी की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है हैदराबाद की बिरयानी। पर गाइस, आप मुंबई की सिगड़ी वाली चिकन बिरयानी खा के देखिए, आपका नज़रिया जो है वो बिरयानी को एकदम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये है कोयलेदार धुएँदार वाली बिरयानी जो बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त है। तो आइए देखते हैं इसकी मेकिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो मैं सभी के डिमांड पे दूसरी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी नहीं है, मेकिंग है, जो है सिगड़ी स्टाइल चिकन बिरयानी। ये बहुत ही यूनिक बिरयानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये रेगुलर बिरयानी जैसी नहीं है जो हम खाते हैं शादियों में। तो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो हर बिरयानी का जो बेस है वो तो आपको पता ही है कि प्याज होता है। तो प्याज यहाँ पे बहुत सारा प्याज लगेगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा मेकिंग इसका डिफरेंट है। इसके बाद यहाँ पे ले लिया है टमाटोज। तो टमाटोज को आपको बारीक काट लेना है। भटियारे जो होते हैं वो ओनियंस को स्लाइस करते हैं गोल गोल, जो आपने देखा उस तरीके से, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे रेगुलर स्पाइसेस है वो स्पाइसेस यूज़ कर लिया है, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला और गरम मसाला पाउडर। बिरयानी मसाला जो है और गरम मसाला, ये दोनों अलग मसाले होते हैं। यहाँ पे जाएगा बोनलेस चिकन जो इक्वल शेप में कट किया हुआ है, अराउंड 1.25 किलो है। 1 किलो बिरयानी में 1.25 किलो चिकन यूज़ होता है। ऑयल ले लिया है। तो पहले यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले मैरिनेट किया है, क्योंकि ये सिगड़ी बिरयानी है। तो जैसे ही आप इसको मैरिनेट करोगे उसके बाद ये इसे कोयले पे सेकेंगे। तो पूरी तरह नहीं सेकते हैं, थोड़ा पार्शली सेकते हैं, ताकि इसका एक अच्छा सा धुआं जो है वो फ्लेवर जो है वो बिरयानी में आए। गाइस, अगर आपने ज़ैनब कुक हाउस फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो अभी जाइए और फॉलो करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैरिनेशन, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, जो बेसिक मैरिनेशन होता है उसे मैरिनेट कर लेना है। इसमें कलर भी जाता है रेड फूड कलर, बट अगर आप घर पे बना रहे हो तो उसे अवॉइड करें। बट जैसे कि मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है कि ये भटियारा स्टाइल है, ये सब ऑर्डर के होते हैं, तो दिखने में और टेस्ट में लजीज होना चाहिए। तो यहाँ पे गया बहुत सारा फूड कलर और इसे अभी आपको मैरिनेट करना है। घर पे अगर आप बना रहे हो तो 2 घंटे से 2.5 घंटे आप इसे मैरिनेट करके रखें या फिर ओवरनाइट करें, इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो सभी के घर पे सिगड़ी या फिर ये सब नहीं होता है, तो आप इसे ओवन में सेक ले या फिर आप गैस पे ही थोड़ा सा सेक लीजिए। यहाँ पे गया अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें। बेसिकली ये फर्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे मैरिनेशन होगा। अब यहाँ पे आता है दूसरा प्रोसेस जो है बेस। इसमें टमाटो है, इसमें सॉल्ट है, कुछ स्पाइसेस है। आप स्पाइसेस ध्यान से देखें, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या डाला क्या डाला। तो बेसिक जो आपके घर पे होता है वही डालते हैं ये लोग भी। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो ये भटियारा स्टाइल है, तो थोड़ा सा कमर्शियल गैस का टेस्ट अलग होता है, जब आप घर पर बनाओ तो वो थोड़ा सा अलग होता है। आप ध्यान से वीडियो देखें, कोई भी चीज़ स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो प्रोसेस आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जाएगा सब सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब। तो मैंने हमेशा से आपको बोला है कोई भी स्पाइसेस जो आप यूज़ करते हैं वो होममेड यूज़ करें, बाहर का यूज़ ना करें, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत कड़वा होता है और बहुत ही डिफरेंट होता है उसका टेस्ट। इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जैसा कि आना चाहिए। तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा। सिगड़ी वाली बिरयानी इसमें
अब यहाँ पे बारी आती है मसाला बनाने की। तो तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल में बिरयानी ना बनाएं, रिफाइंड ऑयल में बनाएं, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में बिरयानी उतनी अच्छी नहीं बनती क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है राई के तेल का। ठीक है, तो यहाँ पे गए कुछ खड़े मसाले, कुछ तेज़पत्ते, कुछ बड़ी इलायची और गया प्याज। तो प्याज मैंने आपको जैसा दिखाया है आप वैसे ही कट करें घर पर भी, तो आप देखें कितने जल्दी वो फ्राई हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे गोल्डन कलर करना है, जैसे नॉर्मली हम बिरयानी को करते हैं वैसा ही करना है। ब्रिस्ता रेडी होने के बाद आपको डाल देना है बाकी सारे मसाले। आपने देखा ब्रिस्ता का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ठीक है, ज़्यादा ब्राउन नहीं है। इसके बाद टमाटोज वगैरह, टमाटोज बहुत बारीक काटना है ताकि जल्दी गले, बिकॉज बिरयानी बनने वैसे ही इतना बड़ा प्रोसेस है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के प्याज टमाटो जो भी जो ज़्यादा टाइम लेती है गलने के लिए उसको बराबर से आप देखें। ठीक है, मेक श्योर आपका जो गैस है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे रहे, ज़्यादा वो हाई फ्लेम पे ना करें वरना सारे मसाले जल जाएंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपको बाकी सारे मसाले डाल देने हैं इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाला है इन्होंने ताकि मसाले चिटके ना। अब गया है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, तो मैं वहाँ पे बना के दिखा दूँगी जो भटियारा स्टाइल की रेसिपीज़ होती है। ठीक है, अभी आपने देखा इसका मसाला अच्छे से एकदम भून गया है, तो इसके बाद आपको बाकी प्रोसेस करना है। गाइज, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करें, वहाँ पर भी मज़ेदार रेसिपीज़ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब गया चिकन जो रोस्ट किया था वो। अगर आपको बोनलेस यूज़ नहीं करना है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल बोन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उसके फ्लेवर्स भी ज़्यादा होते हैं। बट अगेन, अगर आप उसको रोस्ट करोगे, बारबेक्यू करोगे, तो इट विल टेक टाइम, तो वो जल्दी नहीं होता है। तो बोनलेस में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा फ्लेवर होता है। ब्रेस्ट पार्ट का आपको बोनलेस यूज़ करना है, थाइस का नहीं। अब गया दही, तो दही भी आप फ्रेश यूज़ करें। सो गाइस, ये चैनल जो है वो है मेकिंग, कि भटियारे वाले कैसे बनाते हैं, आपको एक आइडिया देता है ये चैनल, तो आप घर में भी इसे फॉलो करके बना सकते हैं। बट क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। इंग्रेडिएंट्स का जो लिस्ट है वो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट रहता है, आप उसे चेक करें। ठीक है, उसको फॉलो करके आप घर पर बनाएं। आप टैग भी कर सकते हैं @ZainabCookHouse इंस्टाग्राम, @ZainabCookHouse फेसबुक पेज। अब आपको देखें इसे अच्छे से भून लेना है। आप जितना अच्छा भूनोगे उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा, और बिरयानी का जो राइस है वो वैसा ही आपको बनाना है जैसा नॉर्मल आप बनाते हैं। दही आपको स्टेप बाय स्टेप करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है। ये हमारी जो बिरयानी की बेस है वो रेडी हो गई है। इसमें अभी आप कोयला डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते तो स्किप करें क्योंकि उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेवर डालने के बाद अब बारी आती है बिरयानी राइस की। तो बिरयानी राइस मैंने आपको जैसे बताया रेगुलर जो राइस बनाते हैं, अगर आपको वीडियो देखना है राइस का तो पहले वाले रेसिपीज़ में है, मेकिंग में है, आप उसे चेक कर लीजिए, सेम वैसा ही है। ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी बासमती राइस यूज़ करें क्योंकि उससे अच्छा फ्लेवर आता है। यू कैन यूज़ दावत, यू कैन यूज़ इंडिया गेट, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छे होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं उनके राइस। ठीक है, इसके बाद आप बिरयानी को लेयर कर दीजिए और दम पे रख दीजिए। तो हर एक दम का जो टाइमिंग्स होता है वो बिरयानी का अलग होता है। मिनिमम 20-25 मिनट्स आप उसको दम पे रखें और आपकी बिरयानी रेडी हो चुकी होगी। आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।